आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस लेक्चर में खास करके क्रिटिकल WPML प्लगइन फ्लांस एक्सपोजर्स, वर्डप्रेस साइट्स टू रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एंड इन डेप्थ एनालिसिस मतलब करेंगे, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो प्लीज़ डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, लाइक द चैनल एंड शेयर द चैनल एज सून एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग एनी साइबर अफेयर। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दैट, जस्ट आई वॉन्ट टू कन्वे यू दैट दिस ऑल कंटेंट आर प्रिपेयर्ड बाई मी, ओके, माई सेल्फ एंड नॉट फ्रेच फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्सेस। ओके, यस, आई हैव टेकन हेल्प बट आई हैवेंट फेच्ड और कॉपी पेस्टेड दैट, जो सो इफ़ आई स्टार्ट रीडिंग इट देन इट्स नॉट माई मिस्टेक, इट्स 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 द सी सी फोक्स, द रिटन कंटेंट इज़ बाई मी, सो आई कैन रीड राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दैट्स ऑल अबाउट द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर वॉट एक्चुअली इट इज़। सो इंट्रोडक्शन टू WPLM। सो WPLM एक्चुअली क्या है? तो WPLM एक क्या है, एक वर्डप्रेस मल्टीलिंगुअल प्लगइन है, ओके, जो अलाउ करता है किसको, यूजर्स को, टू बिल्ड मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स। ठीक है, मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए WPLM का यूज होता है फोक्स। ठीक है, जस्ट मेक ए नोट ऑफ दैट। सो इट्स वाइडली यूज प्लगइन विथ ओवर 1 मिलियन इंस्टॉलेशन सपोर्टिंग ओवर 40 languages। ठीक है, 40 languages को बेसिकली वो सपोर्ट करता है फोक्स। जस्ट इमेजिन 40 languages जो कि दो प्लगइन्स है। ठीक है, क्योंकि वो एक मल्टीलिंगुअल प्लगइन है। ठीक है फोक्स, उसके बाद आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या है? तो बेसिकली एक्चुअली क्या होता है कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बेसिकली अलाउज दैट अटैकर टू रिमोटली एग्जीक्यूट मलिशियस कोड ऑन ए सर्वर। ठीक है, एक सर्वर में मलिशियस कोड एग्जीक्यूट करने लगते हैं, राइट? सो दिस फ्लांक्स अलाउज द अटैकर टू कंट्रोल द वर्डप्रेस साइट्स बाय एक्सप्लोइटिंग वल्नरेबिलिटी प्लगइन। ठीक है, वल्नरेबिलिटी प्लगइन्स जो कि वर्डप्रेस में है वो एक्चुअली एक्सपोज करते हैं अटैकर। ठीक है, जिसके हिसाब से देर विल बी वेजर सॉर्ट ऑफ अटैक। ठीक है, सो दिस इज वॉट एक्चुअली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ RCE, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन फोक्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वल्नरेबिलिटीज़। तो वल्नरेबिलिटीज़ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फोक्स, क्योंकि वो हमें जो किसी ना किसी हालत में फिक्स करना ही है। ठीक है, सो द क्रिटिकल फ्लॉज इन WPLM वर्डप्रेस मल्टीलिंगुअल प्लगइन्स में एक्चुअली वो अलाउ करता है अटैकर्स टू परफॉर्म रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। तो वर्सन जो इफेक्ट होता है CVE समथिंग फोक्स, आई जस्ट वॉन्ट टू रिकॉल इट, आई विल बी पेस्टिंग इट इन द कमेंट सेशन। सो 4.xs to 4.xs। ठीक है, सम वर्सन्स को एक्चुअली अफेक्ट करता है। सो अटैकर कैन एक्सप्लोइट दिस वल्नरेबिलिटी थ्रू मलिशियस HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, मलिशियस HTTP रिक्वेस्ट के दौरान एक्चुअली वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोइट करता है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन द वर्डप्रेस साइट, एक्चुअली इसका इम्पैक्ट क्या क्या है? तो द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी बेसिकली इंक्लूड्स, जैसे कि हो गया हमारा डाटा बिट्स, अनऑथराइज एक्सेस हो गया, या फिर डिफ्रेंसमेंट। ठीक है, वो सब कुछ बेसिक इम्पैक्ट्स ऑफ वर्डप्रेस साइट्स। सो अलॉन्ग विद दैट द इंटीग्रिटी एंड द सिक्योरिटी पोस्चर विच द वर्डप्रेस साइट बेसिकली हैव, डेफिनेटली द रेपुटेशन विल गेट्स डाउन, और इवन वी कैन से यू नो द थिंग्स विच बेसिकली नीड टू बी अंडरस्टूड, द थिंग्स विच बेसिकली नीड टू बी हाईलाइटेड, दैट ऑल्सो डिग्रेड्स। ओके, सो विद द वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटीज। ओके, उसके बाद होता है टेक्निकल डिटेल्स। तो बेसिकली टेक्निकल डिटेल्स में एक्चुअली टू सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स पे जो कि मैं डिस्प्ले किया हूँ फोक्स, क्या है वो टू सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स? तो पहला है द फ्लॉन्स अलाउज द अटैकर टू इंजेक्ट मलिशियस कोड वाया स्पेशली क्राफ्टेड रिक्वेस्ट। ठीक है, एक स्पेशल क्राफ्टेड रिक्वेस्ट के दौरान या फिर अंतर्गत एक्चुअली वो एक्सप्लोइट करता है कोड को। सो इट एनेबल्स रिमोट कंट्रोल ओवर द सर्वर एंड लीड्स टू सर्वर कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो सर्वर कॉम्प्रोमाइज को बेसिकली, मतलब इट बेसिकली डज दैट। ओके, सो दिस एनेबल्स रिमोट कंट्रोल ओवर द सर्वर एंड कैन लीड टू सर्वर कॉम्प्रोमाइज। सो दो है हमारा टेक्निकल डिटेल्स। ओके, तो टेक्निकल डिटेल्स में बेसिकली ये होता है फोक्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया इसका
बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो धन्यवाद फोक्स।